तो यहां पे देख सकते हो इन स्टीम एड्स में सेटअप वाला ऑप्शन आ गया, और ये भैया जो है जो 20 किलोमीटर दूर से मधुबनी से मिलने के लिए आया और इनका इन स्टीम एड्स में सेटअप आ गया। तो बहुत लोगों का यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रहा है कि जैसे वो इन स्टीम एड्स में सेटअप करते हैं उनका रिव्यू में चला जाता है, और रिव्यू भी ऐसा नहीं है कि 15 दिन में रिव्यू कंप्लीट करके सेटअप नहीं करे या उसका रिजल्ट दे दे, ऐसा कुछ होता ही नहीं है और रिव्यू में रह जाता है। तो वो कौन सा गलती आपको नहीं करना है, और सेटअप जैसे इन भैया का सेटअप वाला ऑप्शन आया है, ये आपका आइडिया ना जी, जी तो सेटअप वाला ऑप्शन है। आप पहले बताइए कि वीडियो कौन सा डालते हैं फेसबुक पे? वीडियो में फनी प्रैंक प्रैंक वीडियो डालता हूं। तो भैया देखिए, ये फेसबुक पे प्रैंक वीडियो डालते हैं, लॉन्ग वीडियो डालते हैं और शॉर्ट वीडियो दोनों डालते हैं। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों डालते हैं। तो ये लॉन्ग और वीडियो शॉर्ट वीडियो दोनों डालते हैं, इसके वजह से इनका देखिए एड्स ऑन रील्स में यहाँ पे सेटअप वाला ऑप्शन नहीं आया। लेकिन अगले वीडियो में हम यहाँ पे एक बना लेंगे जिसमें इनका ये भी अप्लाई कर देंगे, होगा तो इसका 15 से 20 दिन में आ जाएगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे इन स्ट्रीम एड्स पे, जो कि इसका सेटअप करना या नहीं, क्योंकि हम वीडियोज में बोलते हैं कि इन स्ट्रीम एड्स का सेटअप कुछ पॉइंट्स होता है जिसको आपको जानना है, उसके बाद ही सेटअप करना होता है। नहीं तो सेटअप कीजिएगा तो रिव्यू में जाएगा, अगर मान लीजिए कोई टूल से मोनेटाइज है जैसे इनका बोनस से अगर रहता तो वो टूल से रेड भी कर देता है, क्योंकि फेसबुक चेक करता है जब भी आप किसी चीज का सेटअप करोगे तो उसका चेंज किया जाता है और चेक करेगा आपका फेसबुक को। तो चलिए वो सभी इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे, वीडियो को अच्छे से देख लेना और साथ में इनका बैंक अकाउंट भी ऐड करना, ठीक है ना? जी, जी, तो इनका बैंक अकाउंट भी, तो बैंक अकाउंट ऐड करते समय में आपका पैन कार्ड किसका यूज करना है, या फेसबुक से आपके पैन कार्ड मिलना चाहिए, बैंक अकाउंट मिलना चाहिए कि नहीं, उसका क्या रूल्स होता है, सब आपको इस वीडियो में क्लियर करके बताऊंगा। वीडियो को बस आपको एंड तक देख लेना और स्टेप बाय स्टेप देखना, बिना स्किप करके देखेगा तो और अच्छे समझ में आएगा, अगर स्किप करके देखना तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो। चलिए वीडियो करते स्टार्ट, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। तो देखिए इनका इनस्टी मैर्स में सेटअप आया और यहां पे स्टार में भी सेटअप आया। अगर हम स्टार वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इनका अभी बैंक अकाउंट ऐड नहीं हुआ है, यहां पे देख सकते हो कि बैंक अकाउंट ऐड नहीं हुआ, और यहां पे ऑप्शन आ रहा है पे आउट वाला, यहां से ऐड पे आउट वाला। तो चलिए यहां से हम ऐड करेंगे, उससे पहले हम बैक करके आपको कुछ पॉइंट्स आपको नोट कर लेना है कि इनस्टी मैर्स का जब सेटअप करेंगे तो क्या-क्या पॉइंट आपके फेसबुक में नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बैक करना, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखा पे थ्री लाइन वाले ऑप्शन पे टैप कर लेना, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखता है कि सपोर्ट इनबॉक्स, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। सबसे पहले आपको चेक कर लेना कि आपके फेसबुक में कोई वीडियोस पे कॉपीराइट नहीं आया है ना, कॉपीराइट खास करके आपके लॉन्ग वीडियोस पे आएगा, चाहे आप किसी का म्यूजिक यूज कर लीजिए या कोई क्लिप होता है तो उस पे, लेकिन उससे डरना नहीं है, उसका समाधान भी है। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, योर अलर्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ये वीडियोस पे इनका एक कॉपीराइट आया है ना, कब आया, 18 अगस्त को आया था, तो ये थोड़ा घबरा गए थे, ये हमको बोले कि मेरा पे कॉपीराइट आ गया, मोनेटाइज हुआ कि नहीं। तो देखिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, सी डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, और यहाँ पे क्या एक ऑप्शन मिलता है शेयर रेवेन्यू वाला। इससे क्या होता है पता है, जब फेसबुक पे आपको कोई कॉपीराइट आएगा तो कुछ परसेंट आपको पैसा मिलेगा, कुछ परसेंट फेसबुक खुद लेता है, और आपका जो ये ऑनर्स है उसको भी मिलेगा। आपको इससे कोई घबराने की जरूरी नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता। फिर यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, देन यहाँ से फिर से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे आप कॉपीराइट वाला यूज तो किए हो तो यहाँ पे एक्सेप्ट रेवेन्यू शेयर वाले ऑप्शन पे टैप कर लेना, फिर यहाँ से कंटिन्यू कर लेना, और यहाँ से एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर इससे आपको कोई घबरा नहीं है। यहाँ पे जितना वीडियो मिले सबको कर लेना, तो वो अभी हम कर लेंगे, उसके बाद अब अगला पॉइंट आपको समझा देते हैं क्या करना होगा। देखिए दूसरा ऑप्शन आपको क्या चेक करना, इस वाले ऑप्शन पे आ जाना और यहां से अपने प्रोफाइल पे जाना, यहां पे एक ऑप्शन आपको दिखता है सी डैशबोर्ड वाला, इस पे टैप करना और स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद यहां पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा रिकमेंडेशन, तो इसको पहले आपको चेक कर लेना। अभी दो तीन पॉइंट और चेक करना है तब आपका 100% मोनेटाइज होगा, 15 दिन के अंदर में रिव्यू करके बता देगा कि फेसबुक पेज मोनेटाइज होगा या नहीं। तो देन यहां पे आना, देखिए ये सभी आपका सही रहना चाहिए, यहां पे कोई वीडियोस नहीं रहना चाहिए। अगर रिव्यू वाला में है कोई यहां पे प्रॉब्लम आ रहा है तो उस वीडियोस को पहले डिलीट कर लेना, उससे प्रॉब्लम्स होगा। तो देन यहां से अभी कर लेते हैं और स्टेटस वगैरह देख लेना, इनका गुड हेल्थ है और सब बढ़िया है, यहां पे इनका मोनेटाइजेशन हो सकता है। अब अगला चीज समझिए, ये दो पॉइंट समझ गए, अब तीसरा पॉइंट समझाते हैं। बैक हो जाना और यहां पे आना अपने वीडियोज वाले ऑप्शन पे, और वीडियोज में आने के बाद अब यहां पे मेन आता है। सबसे पहले समझिए कि जो इन स्ट्रीम एड्स का सेटअप आया वो किस चीज से आपको पैसा देगा। बहुत लोग क्या करते हैं, रील्स डालते हैं। फेसबुक में एक रूल्स लिखा हुआ है कि वो इन स्ट्रीम एड्स का जो सेटअप है 60,000 का क्राइटेरिया जो है वो होना चाहिए लॉन्ग वीडियो से पूरा या लाइव से। लेकिन ये क्या कर रहा है, फेसबुक का भी इसमें कुछ गलती है कि वो रील्स भी आप डालिएगा ना, रील्स वायरल होगा, जैसे एक रील्स आपका वायरल हुआ कितना व्यूज गया, 4 मिलियन
एक वीडियोस में इनका 4 मिलियन व्यूज गया और इससे इसका क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। और बहुत लोगों का ऐसा ही होता है, वो ओनली फॉर रील्स डालते हैं और इनस्टीमार्ट्स का सेटअप कर लेते हैं, इसके वजह से उनका रेट भी होता है और साथ में ये भी हो जाता है कि रिव्यू में फंसा रहता है, उसको कंप्लीट नहीं करता है। कंप्लीट क्यों करेगा? क्योंकि लॉन्ग वीडियो आपके चैनल पर होना चाहिए, कम से कम कितना 15 कम से कम लॉन्ग वीडियो रहना चाहिए, 1-2 लाइव होना चाहिए, यानी कि वो सभी का ऐड करके कम से कम 60,000 वॉच काउंट हो जाना चाहिए, वॉच मिनट, उसके बाद ही आपका मोनेटाइज होगा। समझ में आया ना? तो जैसे अब इनका आईडी किए तो यहाँ पे तो अभी रील्स में ही सबको डाल दिया, कुछ कुछ फोन्स में होता है, जैसे आईफोन सब में होता है कि उसका वीडियो सेक्शन अभी भी अलग है। तो यहाँ पे देखने से पता चला कि ये लॉन्ग वीडियो है, ये लाइव है, उसके बाद ये रील्स है और यहाँ पे लॉन्ग वीडियो है। तो ऐसे करके आपको चेक कर लेना, जैसे ये लॉन्ग वीडियो है सब डालते हैं ना साथ में, यहाँ पे लॉन्ग वीडियो लाइव यहाँ पे इस तरीका का डालते हैं, तो इनका फेसबुक मोनेटाइज हो सकता है। कहना ये हमारा कि आपके फेसबुक पे 10 से 15 लॉन्ग वीडियो डाल देना, उसके बाद ही मोनेटाइजेशन होगा। और यहाँ पे स्क्रॉल कर लेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो लॉन्ग वीडियो है, यहाँ पे भी लॉन्ग वीडियो है और लॉन्ग वीडियो भी रहता है, प्रैंक वाला आपका वीडियोज रहता है ना। जी जी जी। और इसमें म्यूजिक सभी यूज करते हैं? म्यूजिक नहीं, पुराना जो सॉन्ग था ना रील जो बनाए तो डाल लिए थे। अच्छा ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा था तो उस टाइम में सॉन्ग वाला है टिक्की से डाउनलोड कर लिए और बहुत सारे ऐप होते हैं उसे डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें लोगो रहता है, तो लोगो रहेगा तो भाई उसको मोनेटाइज नहीं करेगा फेसबुक, फिर आपका रिव्यू में फंसा रहेगा। तो ये सभी को देख लेना। अगर मान लीजिए कि अगर आपका सेटअप आ गया रील से तो उस समय सेटअप मत करना, सबसे पहले जैसे ये भैया तो डाले हैं बहुत सारा लॉन्ग वीडियो डाले, चेक किए हम अच्छे से आईडी, उसके बाद ही बता रहे हैं। तो आप भी 10-20 वीडियो पहले लॉन्ग वीडियो डाल देना, साथ में बीच में 5-6 लॉन्ग वीडियो डालने के बाद 1-2 लाइव कर लेना, तब इनस्टीमार्ट से आपको पैसा मिलेगा। क्योंकि आप लॉन्ग वीडियो नहीं डालोगे तो पैसा क्या चीज़ से मिलेगा? इनस्टीमार्ट में तो लॉन्ग वीडियो से पैसा मिलता है। अगर भी आप शॉर्ट्स डालते हो, रील्स डालते हो तो सेटअप मत करना। आपका मन है कि हम बस रील से पैसा कमाएंगे तो सेटअप मत करना, एड्स ऑन रील्स मिलेगा उसे सेटअप कर लेना। तो यहाँ पे समझ में आ गया ना इनस्टीमार्ट का क्या चीज़ सब देखना है, और उसके बाद लाइव वगैरह बीच में कर लेना। तो चलिए, ये सभी को देखने के बाद हमको लगा कि इनका वीडियो जो है मोनेटाइज हो सकता है, तो अब प्रोसेस बताते हैं मोनेटाइज करने का, अकाउंट ऐड करने। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे सेटअप वाला ऑप्शन है, ये सभी क्यों आप देख लिए होंगे अच्छे से। वीडियोस लॉन्ग हो सकता है, लॉन्ग वीडियो होगा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर ये सभी को समझ के अगर कीजिएगा तो दिक्कत नहीं होने वाला। लेकिन आप लोग नहीं समझते हो, फिर स्किप करते हो तो भाई प्रॉब्लम तो आएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम सेटअप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं और अच्छे से आपको सेटअप करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम सेटअप वाले ऑप्शन पे टैप कर लेना जो कि, और यहाँ से ऐड टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। इसका रिव्यू में जाएगा, लेकिन रिव्यू में जाने के बाद मेन होता है कि 15 दिन के बाद निकलना, वहां से निकलता नहीं है, इसके वजह से प्रॉब्लम आता है। और एक चीज और आपको बताएंगे, जैसे इनका देखिए इनस्टीमार्ट का हम सेटअप कर चुके हैं और देखते हैं कि हाँ यहां पे रिव्यू वाला ऑप्शन आ चुका है। रिव्यू में जाएगा क्योंकि फेसबुक चेक तो जरूर करेगा आपके फेसबुक आईडी को। इनको करना क्या है, देखिए यहां पे लिख के भी आ रहा है कि next 2 week लग जाएगा इसमें, उससे पहले भी हो जाता है किसी किसी का। तो इनको करना क्या, अभी जाएंगे ये, आज हो सकता है तो लाइव एक और कर लेंगे और साथ में कल 1-2 लॉन्ग वीडियो डालिएगा प्रोसेस में। अभी लॉन्ग ही डालेगा, शॉर्ट पे उतना ध्यान देना नहीं है। इनस्टीमार्ट का जब कंप्लीट हो जाए ना, फिर जितना चाहे उतना शॉर्ट से डालिएगा। तो उसके बाद ऐसे ही आपको भी करना है, जब सेटअप कर लेना तो एक लाइव उसके बाद ही कर लेना, 1 घंटा या 2 घंटा या शाम में भी कर सकते हो 4-5 घंटा के बाद, और 1-2 लॉन्ग वीडियो डाल देना। अब यहाँ पे इनका कर दिया, अब हम बैक कर लेते हैं। देखिए इनका रिव्यू में चला गया, अकाउंट ऐड करने के बारे में चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, या चलिए इसी में बता देते हैं। यहाँ पे हम सेटअप वाले ऑप्शन, एक ऑप्शन ऊपर में दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, बहुत लोग यहाँ पे इसमें गलती करते हैं, जैसे इनका देख सकते हो कि इनका फेसबुक का यहाँ पे नाम ही आ चुका है, जैसे इसी वजह से यहाँ पे बहुत लोग का दिक्कत होता है। देखिए अब यहाँ से आपको पैन कार्ड के हिसाब से डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे इनका अभी पैन कार्ड देखे तो पैन कार्ड के हिसाब से डिटेल्स फिल कीजिएगा, ना कि आपके फेसबुक के आईडी के नाम से। जैसे इनका जितेश ब्लॉग नाम है आपके फेसबुक आईडी, यहाँ पर पहले से ही ले चुका, शायद आप फिल भी किए थे क्या? कुछ नहीं किया, तो पहले से आ गया। तो इनका हम सबसे पहले इनका देखेंगे कि क्या इसके डॉक्यूमेंट में, उसके हिसाब से डालना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड के हिसाब से। जिनका पैन कार्ड डालोगे उनका ही अकाउंट नंबर लेगा, और इसमें कोई इसमें ये भी नहीं प्रॉब्लम होगा कि जो आपके फेसबुक के जो आईडी है उसके नाम से पैन कार्ड होना चाहिए। आप किसी का भी डाल सकते हो, मान लीजिए कि कोई 18 साल से कम का है, उनके पास तो पैन कार्ड होगा नहीं, लेकिन बच्चा भी पैसा कमा रहा है ना फेसबुक यूट्यूब से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। और ये कोई रूल भी नहीं है कि जिनके फेसबुक नाम से उनके नाम से अकाउंट होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड जिसका डालेगा उसका ही अकाउंट लेगा, ये आगे अपने आप ही फिल कर देता है। अब ये न्यू अपडेट कर दिया, पहले तो चेंज भी कर देते थे, जैसे हमारा ही था पहले 18 इयर्स नहीं हुआ था तो उस समय में हम अपना फेसबुक आईडी मेरे नाम से था, पैन कार्ड हम मम्मी का डाले थे और अकाउंट पापा का डाले थे, लेकिन पैसा आता था। लेकिन अब चेंज करना पड़ा हमको,
और जिनका पैन कार्ड डाले उनके हिसाब से ही हमको अकाउंट डालना पड़ा। तो इनका हम फिल कर लेते हैं, फिर अगला प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल देना, पैन कार्ड लेना, वहाँ पे जो फर्स्ट नेम होगा वो डालना, यहाँ पे लास्ट नेम डाल देना पैन कार्ड से, देन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे ये सभी सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे मेन आता है दूसरा ऑप्शन, समझिएगा, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पे बिजनेस टाइप में आप लोग क्या करते हो कि पार्टनरशिप कर लेते हो। जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, आपको पार्टनर का भी डिटेल्स फिल करना होगा। यहाँ पे कोई लोग नॉट प्रॉफिट कर देते हैं, अगर प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हो तो फेसबुक से पैसा ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन आता है इंडिविजुअल सोल प्रॉपर्टी वाला, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना। देन यहाँ से हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, अगला ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम पहले डाले थे, लास्ट नेम डाले थे, लेकिन मिडिल नेम क्या होता है कि बहुत लोगों के अपने पैन कार्ड में मिडिल नेम नहीं रहता, तो इनका है पैन कार्ड में, इसकी वजह से यहाँ पे हम कुमार डाल दिए। और यहाँ पे लिखा है कि इफ अप्लीकेबल, अगर है तो डालो, नहीं है तो छोड़ दो। यहाँ पे हम फिल कर दिए डेट ऑफ बर्थ पहले। अब प्राइमरी एड्रेस यहाँ पे समझेगा, अपना आधार कार्ड ले लेना, वहाँ के पीछे में लिखा रहता है विलेज का नाम, सबसे पहले यहाँ पे डालना। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे पोस्ट कोड जिसको बोला जाता है, जिप कोड और पिन कोड जिसको बोला जाता है वो समझ लीजिएगा, वो डाल दीजिएगा। आपके आधार कार्ड के पीछे में 6 अंक लिखा रहेगा। यहाँ पे फोन नंबर कोई सा भी डाल सकते हो, ईमेल आईडी कोई सा भी डाल सकते हो। देन अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे पैन कार्ड जिसको बोला जाता है परमानेंट, यहाँ पे लिखा है, तो पैन कार्ड का नंबर डाल देना जिसका अभी डिटेल्स ऊपर में फिल किया, नाम वगैरह सब। और देन यहाँ पे ये देखिए जीएसटी नहीं भरते तो इसको फिल करने की जरूरी नहीं है, बहुत लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के आगे कर लेते हैं, आगे जाके उसका दिक्कत होता है, पैसा भी नहीं आता। देन यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके टिक कर लेंगे, तो ये सभी को फिल कर लेते हैं। वैसे इसका डिटेल्स में भी वीडियो बना है, उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो हम फिल कर ले, यहाँ से हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। ये आपको पर्सनल डिटेल्स है तो यहाँ पे ये ब्लर रहेगा, आपको हम समझा दें उसी हिसाब से आपको एक बार बैक करके भी ये वीडियो को देख लेना। अब यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं कि वायर ट्रांसफर से कर सकते हो, अगर स्टार्टिंग में आपका कुछ कम डॉलर बन रहा है। अगर मान लीजिए इनका अभी क्या है कि प्रैंक वीडियो है, तो आगे चल के ये ज़्यादा डॉलर्स भी कमाएंगे, इसीलिए हम इनका वायर ट्रांसफर कर लेते हैं जिसमें स्विफ्ट कोड लगता है। तो यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेंगे। आप बैंक ट्रांसफर पे कीजिएगा तो पासबुक से आपको नाम और इसका जो अकाउंट नंबर डालना होता है एफएससी कोड डालेगा, आपका हो जाएगा। नाम पहले से फिल रहता है, जैसे देख सकते हो इनका नाम पहले से फिल है। यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हो फुल नेम यहाँ पहले डॉक्यूमेंट के हिसाब से फिल है, इसमें चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी चेंज नहीं कर सकते हो। देन अगला आ रहा है, यहाँ पे स्विफ्ट कोड डाल देना जो कि आपको निकालना होगा। स्विफ्ट कोड सभी बैंक का मेन ब्रांच होता है उसका होता है स्विफ्ट कोड, जैसे इनका स्टेट बैंक है ना, उसका मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड डालना होता है। तो ये स्विफ्ट कोड आपको डालना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ये वाली वीडियो है और इसका हम आई बटन पर भी लगा देंगे लिंक, तो देख के समझ लेना कैसे निकाला जाता है स्विफ्ट कोड। हम निकाल लेते हैं उसके बाद डालेंगे और यहाँ पे बैंक डिटेल्स हम फिल कर लेंगे। अभी छोड़ के मत जाना क्योंकि आगे जो प्रोसेस आने वाला है वो टैक्स इन्फॉर्मेशन वाला, उसको भरना जरूरी है, उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा और उसमें सिग्नेचर मैच नहीं करता, तो समझिएगा अच्छे से। तो ध्यान देखिए दोस्तों, अब हम डिटेल्स फिल कर लिए, यहाँ पे हम लिंक पे आउट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। आपको भी बताया जैसे कि स्विफ्ट कोड इसको निकालना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस पर टैप कर लेना, पहले ये प्रोसेस समझ लो या आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख लेना स्विफ्ट कोड वाला का, तो आपको वहां से भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम अगला प्रोसेस, अब यहाँ पे आ रहा है टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर ये क्रोम में ओपन होगा सबसे पहले, तो एक बार लॉग इन कर लेना। यहाँ पे हम लॉग इन कर लेते हैं, उसके बाद अगला प्रोसेस आपको अच्छे से बता देते हैं। तो अगला आपको क्रोम में लॉग इन कर लेना, क्रोम में लॉग इन करने के बाद यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू कर लेना और यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि क्या क्या फिल करना होता है, फिर आपका अच्छे से हो जाएगा। अगर हो सकता है तो हम एक लिंक और डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में जिसमें आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन अच्छे से बताया, क्योंकि इनमें थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। चलिए बता देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा है कि आर यू यूएस सिटीजन, यहाँ पे नो कर लेना, यूएसए नहीं है, फिर से नो कर लेना। अब यहाँ से जल्दी में स्पीड में ही बता देते हैं। अगला यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंट्री सिटीजनशिप आपको सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से जैसे इंडिया से हो तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना और जिस भी कंट्री से हो आप वहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेना। तो जैसे ये इंडिया से है तो इंडिया हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू नेक्स्ट कर लेना और कुछ नहीं, फिर से नेक्स्ट कर लेना और यहाँ से नेक्स्ट कर लेना। यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना, 0% ऑफ सर्विस विल बी, और यहाँ पे आपको तो सरकारी नौकरी था, अच्छा वो हट गया ना, तो यहाँ पे अगर सरकारी नौकरी वगैरह नहीं है तो 0% पे कर लेना, मतलब 0% टैक्स और भरते हो। और यहाँ से हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सिग्नेचर में क्या नाम है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। अब यहाँ से क्लिक करने के बाद आपका एक फॉर्म आएगा, यहाँ से सबमिट कर लेना और आपका अच्छे से अकाउंट डिटेल्स ऐड हो गया, अब कहीं दिक्कत नहीं होने वाला। जब भी पेमेंट आएगा तो 21 को या 24 को रिलीज करता है, वो टाइम वहाँ पे दे देता है और 30 तक आपके अकाउंट में आ जाता है, तो फिर घबराना नहीं है और वेट कर लेना। और लास्ट डेट रहता है 10 तक नहीं आएगा फिर आपको बैंक में जाना होगा, चाहे मेन ब्रांच में जाना होगा और पता करना होगा। तो इनका सब सक्सेसफुल हो चुका है और आप इस हिसाब से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, स्विफ्ट कोड जानना
हैं तो यहाँ पे एक वीडियो लगा देंगे, इस पर टैप करना और स्विफ्ट कोड देख लेना। अगर बैंक डिटेल्स में कोई दिक्कत आपको लग रहा है, नहीं समझ में आया, स्पीड में बता दिए या टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे एक वीडियो दिख रहा है, इस पर टैप करके देख लेना। वीडियो पसंद है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट।